नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में एक बार फिर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिवपुरी की होनार बेटी, जिन्होंने अभी हाल ही में आर्म रेसलर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल में अपनी जगह बनाई है। इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और किस तरह इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो स्वागत है अंजलि जी फास्ट समाचार में आपका। थैंक यू। क्या पूरा माहौल रहा कि आपने आर्म रेसलर, जो अभी तक मतलब पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग तो सुनने में आ रहा था कि आपने आर्म रेसलर चुना, क्या वजह रही शुरू से? वजह ये रही कि हम लोग नॉर्मली थे, नॉर्मल से फैमिली से थे, और मतलब जब हम स्कूल में थे तो नॉर्मली जब हम पंजा कुश्ती खेलते थे खेल खेल में, तो हम हमेशा जीते रहते थे। तो ऐसे ही फिर मैं कॉलेज में गई, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये पंजा कुश्ती है, ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत कुछ है इसमें, आप खेल सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा सीरियस नहीं लिया था। फिर मैंने, मेरी छोटी बहन है रचना, इसने खेला तो वहाँ पर ये पहली बार मैं अपने एमपी में सेकंड मेडल लगा था इसका, फर्स्ट टाइम में तो ये खेली, उस टाइम में इसका मेडल लगा, उस टाइम पर मैं खेलने नहीं गई थी। और फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा खेला, इस बार डिस्ट्रिक्ट खेला, तो यहाँ पर मेरा सिल्वर मेडल लगा। फिर ग्वालियर में हुई थी अपनी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर सिल्वर मेडल लगा। तो, और नहीं तो ये आपने एक वो भी है कि वाक्य की मजाक मजाक में आप लोग पंजा खेलते हाँ। थे, तो आपने इसी को अपना वो बना हाँ, लिया, इसी को हमने अपना वो फैशन बना लिया, क्योंकि इसमें हमें लगा कि इसमें हमारा स्कोप है, क्योंकि हम जहाँ जाते थे बहुत से, ऐसा नहीं है कि हर बार गोल्ड मेडल आता, कभी सेकेंड और थर्ड भी आता था, लेकिन हम जीतते थे। कुछ बच्चे यहाँ थी, लड़कियाँ थी जो खाली हाथ चली जाती थी, लेकिन हम जीतते थे, कुछ भी जीतते, सेकेंड भी आता था, कभी थर्ड भी आता था, तो जीते रहे ऐसे ही। तो हमने सोचा कि हम इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कितना समय हुआ है आपको लगभग? मुझे 5 महीने। 5 महीने, तो क्या आपने छोटी बहन की प्रेरणा से इसमें ये शुरू किया? नहीं, एक्चुअली हम दोनों ही रेसलर हैं, और छोटी बहन को ही मैंने बताया था कि ये करे उसको, तो जब ये कर रहा है इसने, हम दोनों ने ही फिर फैसला लिया कि हम अपने ग्वालियर रहकर, हम लोग जो तैयारी करते हैं ग्वालियर रहकर करेंगे, वहाँ पर इसका माहौल है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो अच्छी तैयारी हो जाती है। तो अभी आपने हाल ही में भोपाल में जो आयोजित प्रतियोगिता हुई थी, कौन सी प्रतियोगिता हुई थी और आपने कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्थान पाया था? सर, मैं 60 कैटेगरी वेट कैटेगरी है, 60 किलो मेरा वेट है, और इसमें मेरा लेफ्ट और राइट दोनों से मेरा मैच हुआ था, तो जो राइट हैंड हुआ था इसमें मेरा सेकेंड मेडल था, और लेफ्ट से था उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। तो अभी आगे क्या प्रतियोगिता होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है? आगे जयपुर में होने वाली है, सॉरी नागपुर में जो होने वाली है नेशनल प्रतियोगिता जून में। अभी नेशनल में आपने जगह बना ली है। हाँ जी। तो नेशनल में क्या आपकी तैयारियां हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाना है? जी बिल्कुल, हम लोग इंटरनेशनल की ही तैयारी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट से हम लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमने शुरू से यही सोचा है कि हम जाएंगे तो वर्ल्ड में अपना स्थान बनाएंगे। क्या रणनीति है इसके पीछे कि इसमें कुछ आप चाहते हो कि नौकरी वगैरह का प्रावधान जो है उसमें से आप ये मतलब यही आपकी मंजिल है कि इस स्पोर्ट्स कोटे से कि आप? हम लोग तो इसके लिए समर्पित हैं टोटली, हम इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर, मम्मी पापा फैमिली सब कुछ छोड़ के ग्वालियर रह रहे हैं, इसी की तैयारी कर रहे हैं, और यही हम लोगों के लिए सब कुछ है। अच्छा, इसी क्रम में आपकी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद है रचना, आपका क्या पूरा रहा कि शुरू से आपने किस तरह से जिले से लेके अभी आप नेशनल तक पहुंचे हो कि नेशनल हाँ। प्रतियोगिता में आप स्थान? मैंने पिछले साल स्टेट खेला था, उसके बाद में मेरा सेकंड लगा था, जब से मैंने समथिंग इतने सारे इवेंट खेल लिए कि ये सारे मेरे मेडल है। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला था इसी साल, तो वहाँ मेरा गोल्ड था, स्टेट खेला वहाँ पर भी मेरा गोल्ड था, इससे पहले मैं प्रो पंजा लीग भी खेल कर आई हूँ, जो कि टीवी पर लाइव चला था। इस बार जुलाई में खेलने जाने वाली हूँ, बट शिवपुरी से अकेली गर्ल्स हूँ उसके अंदर। अच्छा, ये शिवपुरी में अभी तक मुझे सुनने में नहीं आया कि आर्म रेसलर में लड़कियाँ ज़्यादातर इंटरेस्ट रखती हैं, लेकिन ऐसा क्योंकि पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में आपकी रुचि नहीं है, इसी में क्यों रही? क्या मतलब कुछ हुआ है कि उसके बाद आपने पंजा को ही अपना? हम लोगों को इसी गेम में इंटरेस्ट है, बट वो तो सब खेलते हैं, बट इसमें तो कोई गर्ल्स नहीं है ना शिवपुरी से, हम हट के देखना चाहते हैं। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपकी? मैं फैमिली में सास सिस्टर भाई है पापा मम्मी। अच्छा, तो सातों सिस्टर खेल प्रतियोगिता में? नहीं, बराबर से दो खेलते, मेरी सारी सिस्टर स्टडी करती हैं। अच्छा, वो आप जितनी भी लड़कियां हैं अभी तैयारी करती हैं कि आप तो इतना बड़ा परिवार है आपका कि 7 बहनें हैं और लगातार 7 बहनें मेहनत और उसमें रुझान रखती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं आप लोग, तो क्या जो लड़कियां जो संदेश देना चाहोगे उनके लिए कि जो इस फील्ड में नहीं आना चाहती, लड़कियां होने से परिवार वाले भी डरते हैं कि नई लड़की है
खेलकूद में नहीं जाए, उनको क्या कहना चाहोगी? उनको कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स एक ऐसी लाइन है कि जो घर पर भी रहकर हो जाता है, बट हम लोगों को बल जाना है, इसलिए हमें प्रॉपर टीचर की ज़रूरत है, इसलिए हम ग्वालियर रहकर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बट नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट स्टेट की तो हम घर से ही कर सकते थे। तो पढ़ाई के प्रति क्या रुझान है, कि पढ़ाई से कुछ ऐसा है कि पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बनना चाह रहे हो आप? नहीं सर, हम लोग स्पोर्ट में ही ज़्यादा जॉब चाहिए। स्पोर्ट कोटे से ही चाहते हो कि इंटरनेशनल खेल के गोल्ड मेडल जीत कर स्पोर्ट कोटे से आपको नौकरी मिले, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी अंजलि जाटव और रचना जाटव हमारे साथ, और रचना जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? सर मेरे कोच हैं, हमारे कोच हैं जो ग्वालियर के हैं, मनीष कुमार, और इंटरनेशनल कोच हैं। मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, वो बाकी बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने बहुत कम समय में हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। मतलब मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन एक ऐसा कोच जो हमें मोटिवेट करे, हमें आगे बढ़ाने के लिए, मतलब वो एक समर्पित है हम लोगों के लिए। अच्छा। मतलब वो इंटरनेशनल कोच है, बहुत अच्छे कोच है, और मैं तो यहाँ की जो गर्ल्स हैं लड़कियाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी खेलें, आगे बढ़ें, अपने शिवपुरी का नाम रोशन करें, और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ये थी रचना जाटव और अंजलि जाटव, दोनों बहनें हैं और छोटी बड़ी सिस्टर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह इनकी शुरुआत हुई थी, कि मस्ती में इन्होंने ये गेम का खेलना शुरू किया था, उसके बाद में इनको लगा कि इस फील्ड में आगे बढ़कर स्पोर्ट कोटे से इंटरनेशनल अगर ये गोल्ड मेडल जीतती हैं तो इसमें नौकरी का भी इनको प्रावधान है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्पोर्ट कोटे से इनको नौकरी लेना है। नौकरी लेना अच्छी बात है, लेकिन सर हम लोग अपने जिले के लिए वर्ल्ड का मेडल चाहते हैं, वर्ल्ड का मेडल हम चाहते हैं। वर्ल्ड का जो मेडल है आज तक कोई लाया ही नहीं है, और एमपी में भी शायद कोई गर्ल्स नहीं लाई है अभी तक। हम चाहते हैं कि हमारे लिए वर्ल्ड का मेडल आइए, हमारे लिए गर्व की बात है। तो आर्म्स रेसलर में इन्होंने ये ठाना है कि मतलब शिवपुरी जिले का नाम पूरे भारत सहित पूरे संसार में रोशन करना है, इसलिए आर्म्स रेसलर का गोल्ड मेडल इंटरनेशनल का लाना चाहती है।